तो भाई लोग कैसे हो? तो यार स्वागत है आपका एक और नई नवेली पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, जिसमें आपको ये घटिया सी आवाज़ और ये घटिया सी कमेंट्री लगभग पूरे वीडियो सुनने को मिलेगी, है ना? तो रेडी हो जाओ। खैर यार, इस मैच में ना भाई एंड में कसम से आप भी बोलोगे कि भाई मज़ा आ गया देख के, ठीक है? ऐसे गलत गलत सीन होते हैं ना भाई, जोन बिल्कुल फेवर में नहीं होता, गाड़ी गुड़ी मतलब फटी फूटी सी होती है। खैर वो सब आपको पता चल जाएगा अगर आप देखोगे एंड तक, ठीक है? तो काफ़ी मज़ा आता है इसमें, काफ़ी बढ़िया मैच होता है। मैं सांप बनने की पूरी जान लगा देता हूँ कि सांप ना बनूँ। आगे एक आध लौंडे भगरे होते हैं, नोवो उतर रखे हम, है ना? एक लौंडे को नॉक करता हूँ मैं, भैया एक ही हेड शॉट पर ख़त्म हो जाता है वो, ठीक है? शायद हेलमेट वेलमेट था नहीं उन भाई पे, पर म्यूटेंट यार वैसे काफ़ी सही गन लगती है मुझे, मतलब डैमेज वगैरह और ये जो कचाकच आवाज़ आती है ना भाई चलाने में, मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पर हम अंदर घुसते हैं, वो लौंडा भैया गायब, ठीक है? किधर भगता है, कहाँ भगता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर हम वो पता लगा रहे हैं, ठीक है? तो S12 की उठा लिया मैंने। ये सामने एक बोट आता है हमारे, बोट है ना, अंग्रेजी ख़राब है मेरी यार, समझा करो, ठीक है? तो उन बोट को ठिला देता हूँ मैं भाई, और इन लौंडे के पीछे हम भग जाते हैं, ठीक है? ये भाई हमें बहुत सताते हैं, बहुत रुलाते हैं, मतलब किधर कहाँ कब भग जाते हैं कोई आइडिया ही नहीं लगता, ठीक है? तो इनका पीछा करते करते हम काफ़ी पीछे आ जाते हैं, मुझे एक UMP मिल जाती है, साइड से गोलियाँ चलती है, मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। तो यार पीछे भी लौंडे हैं और आगे तो लौंडा एक है ही, मैं उन्हें देख चुका हूँ ना, जो ये वेयरहाउस वाला लौंडा था वो भग के पीछे साइड जाता है, ठीक है? तो मैं पहले डिसाइड करता हूँ इन्हें पे लूँगा। ये देखो, ये जो M16 चला रहे थे ना भाई, यही होते हैं वो भाई साहब, ठीक है? और ये रेलिंग लगा रखी है भाई पबजी वालों ने, मतलब चाहते नहीं है कि भाई मैं लौंडा को ठीक से नॉक कर दूँ, तमीज़ से नॉक कर दूँ, है ना? खैर क्या कर सकते यार, आगे बढ़ता हूँ मैं, अब आगे बढ़ के रश करूँगा। अब इन भाई साहब ने ना हमें बहुत सताया, बहुत रुलाया, ठीक है? आखिरकार पकड़ में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा रैंडम टीममेट पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, इनका तो पूरा हमारे सामने ही डब्बा बना दिया जाता है, ठीक है? अब मुझे पता है वेयरहाउस में एक या दो बंदे हैं, तो मैं ध्यान से जाऊंगा, पहले कूदूंगा इस साइड, फालतू की फायर दूंगा ताकि लग जाए गलती से, है ना? दो बंदे होते मुझे पता नहीं था ठीक से, एक लौंडे को पेल देता हूं मैं, अब ये लौंडा नेट से ठिल जाएगा, ठीक है? किसका नेट आता है, इसके टीममेट का आता है शायद, पर ये मर जाता है, ठीक है? मुझे पता है एक लौंडा बाहर से आ रहा है, तो मैं बिल्कुल लेट जाता हूँ, है ना? इन्हीं भाई का नेट होता है, अपना टीममेट पेल जाते हैं अपने नेट से, और किल मेरे ख्याल से मुझे ही मिलती है ना? तो ये हमारे रैंडम टीममेट पता नहीं क्यों ही चला रहे हैं यहाँ पे स्कॉर्पियन, मतलब फालतू में ही फाड़ रखी है हमारी, तो ये स्क्वाड भी गायब हो जाती है यहाँ पे, नोवो खाली। अब भाई असली सीन शुरू होते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे दो फ्लेयर मंगाई होती है, जी भर के लूटा होता है मैं, एक AUG और ये गिली सूट उठा लेता हूँ ना, ग्रीन सूट होता है, गिली सूट होता है। खैर यहाँ पे लौंडे आ जाते हैं भैया, फायरिंग फूरिंग देना चालू करते हैं हम पे, मैं यहाँ पे समझ जाता हूँ कि भाई लौंडे आ गए हैं और स्क्वाड आया है पूरा का पूरा, एक अकेला लौंडा नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि देखो यार जनरली एक अकेला लौंडा फ्लेयर फ्लोर पे बहुत ही कम रस करता है, ठीक है? तो मैं समझ गया स्क्वाड आ गई है, मैं घर के अंदर आ गया TPP वगैरह लेने, क्योंकि यार चांस क्यों लेना है ना, चांस नहीं लेना, तो देख के पे लेंगे भाई। अब यहाँ पे एक सांप को तो मैं ठिला देता हूँ, एक लौंडा फ्लेयर के पीछे होता है ना, इन्हें मतलब बहुत ही जल्दी होती है फ्लेयर लूटने की, तो आ जाते हैं, नेड मौली करता हूँ मैं, पर कुछ ढंग से नहीं लगता, ठीक है? पर यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से एक स्नाइपर लौंडा स्नाइपिंग कर देता है मेरे ऊपर, यहाँ पे मेरे एक टीममेट नॉक हो जाता है, एक ही टीममेट बचा है। ये दोनों लौंडे पता नहीं कब और कहाँ ठिल गए, मुझे कोई आइडिया नहीं है ना, जब हम वहाँ से निकले थे तो वो भाई आए नहीं हमारे साथ, तो ठिल गए बेचारे, है ना? तो यहाँ पे मैं रिवाइव करता हूँ ठीक यहीं पे, क्योंकि अगर रस होगा अचानक से तो मैं संभाल लूंगा, है ना? वो लोग रस करते नहीं है मेरे ख्याल से, अपना टीममेट रिवाइव वगैरह करते हैं, और अब ना भाई अब फुल रस होगा, ठीक है? तो अपनी बकवास थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं मैं।
enemies ahead. अब भाई यहाँ पे ना मेरी फटके 16 और रखी थी, ठीक है। 16 क्यों बोला मुझे, मैंने मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। खैर यहाँ पे भाई बहुत डर लग रहा था यार, मतलब पूरी स्क्वाड रश कर रही है, अपना टीममेट भी नॉक हो रखा है, पर अपन लोग ठिला देते हैं, ठीक है। तो अपनी फ्लेयर आखिरकार अच्छे से लूट पाते हैं हम, और ये बग्घी वाले भाई साहब भगरे होते हैं, ठीक है। तो स्प्रे देता हूँ मैं, और जैसे उनकी बग्घी पलटती है अपनी ऑक मतलब रिलोड पे लग जाती है यार, ठीक है। सो के लेट के स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, पर झाड़ी झंकाड़ा जाता है सामने, ठीक है। मतलब कुछ ढंग से हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे मेरा टीममेट गाड़ी ले आता है फटाफट से, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा और उन भाई को ठिलाना पड़ेगा फटाफट से। अब जैसे ही मैंने इन भाई को ठिलाया ना भाई, मैं चिल्लाया भग लो यहाँ से, ठीक है। क्योंकि वो भाई नॉक हुए थे तो इनके टीममेट आते ही होंगे, तो हम लोग भग लिया वहाँ से, और हम आ चुके हैं सेभरनी के साइड, ठीक है। इस बार जोन इधर ही बन रहा है, तो मतलब यार इधर बन रहा है, मतलब ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि सांप सूप का चक्कर पड़ेगा, है ना। और यार सबको पता है सांप का चक्कर मतलब मौत से टक्कर, ठीक है। अब यहाँ पे घर पे हम रस करेंगे, एक आध लौंडे बैठे हुए हैं, अपना एक लौंडा हल्का सा दिखता है मुझे, ऑक का स्प्रे देता हूँ मैं अपना AUG A3 का, और लौंडा नॉक हो जाता है, तो ऊपर रस करेंगे हम डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रखा होता है मुझे नहीं पता, ये सेम टीम है या अलग टीम है, पर घर के उस साइड भी लौंडे हैं, ठीक है। अभी मैं पीछे देखता हूँ, एक आधी स्नाइपर के शॉट लगाता हूँ, लगता नहीं है, पर यार यहाँ पे मुझे पता होता है कि यहाँ से फायरिंग आ रही थी, यहाँ पे लौंडे हैं, तो ठीक है मैं हार्ड स्कोप करके बैठता हूँ। जैसी लौंडा दिखता है एक हेडशॉट पड़ता है, हेड ही था ना, हाँ हेडशॉट पड़ता है, पर यार कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम रस कर देने वाले। देखो ऐसे एंड जोन में रस रूस करना तो भैया मौत से टक्कर लेना है, ठीक है, मौत से टक्कर मतलब मौत। तो वो सब छोड़ो यार, अभी मैं स्कोप वगैरह करके बस देख रहा हूँ कि किधर लौंडे आएंगे। मुझे पता है अब वो लोग भागेंगे क्योंकि जोन उनकी तरफ नहीं है अब, है ना, जोन छोटा हो रहा है। एक लौंडा भाग रहा होता है, मैं उसे अपने ऑक से ठिला देता हूँ फटाक से, और यहाँ पे अब कन्फ्यूजिंग सीन हो जाता है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्या हो रखा होता है यहाँ पे, पीछे से एक और लौंडा आता है, और वो लौंडा दूसरी टीम का होता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा होता है यार, ऊपर से भी गोली चल रही है, पीछे भी गोली चल रही है, मुझे किल नहीं मिलती, मुझे बस इतना पता है, और मुझे इतना पता है कि मुझे खुंदक आ रही है, ठीक है। अब मैं समझ जाता हूँ वहाँ पे जो भी था जिंदा वो बच जाता है, और अब वो गाड़ी लेके भागेगा, ठीक है। तो मैं रेडी हो रखा हूँ गाड़ी पे स्प्रे करने के लिए, ठीक से नहीं लग पाती क्योंकि यार हड़बड़ी हो रखी होती है, पैनिक मच रखा होता है, ठीक है, पैनिक मच रखा है, हड़बड़ी हो रही है, ठीक है। कूदता हूँ मैं नीचे, स्प्रे देता हूँ, अब मैं गंदा स्प्रे दूंगा यहाँ पे, लौंडा मरने वाला होता है, गाड़ी फटने वाली होती है कि अपनी गन रिलोड पे लग जाती है, मतलब उसी टाइम लगना होता है इसे रिलोड पे। खैर वो सब छोड़ो, गाड़ी उनकी फट जाती है, किल कोई और ले जाता है ना। यहाँ पे मुझे एक आध लौंडे भगते हुए दिख रहे हैं, और मैं समझ गया भैया कि अब होंगे गलत सीन, ठीक है, क्योंकि सब सांप सूप बन रखे हैं ये ऊपर वाले लौंडों को छोड़ के। यहाँ पे मुझे नहीं पता मैं क्या करने आया होता हूँ ना, मैं ये भी देखता हूँ कि अपन की एमो खत्म हो रही है, ठीक है, जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ ना भाई एमो को बेरहमी से, ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, और लूटने का भैया चक्कर चलेगा अब। यहाँ पे मैं देखता हूँ एक लौंडा फुदक रहा होता है, तो अपनी हवा में ही ठिला देता हूँ यार, मतलब ये चीज़ ना भाई बहुत मज़ा आता है यार, ये चीज़ करके देखना कभी, हवा में जब आप ठिलाओगे ना लौंडे को भाई, अलग लेवल का सेटिस इन्फेक्शन मिलता है, ठीक है। सॉरी मैं हकला भी रहा हूँ, थोड़ी देर चुप करता हूँ, वॉइस ओवर। अब यहाँ पे मेरे पास दो ओपिनियन होते हैं, नहीं ओपिनियन तो कुछ और होता है, दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये कि स्मोक करके जाओ और सांप बन जाओ, ठीक है, पर देखो यार अपन कोशिश करता है कि सांप ना बने, क्योंकि स्किल डेवलप करनी है यार अपनी, मतलब ठीक से खेलना है, तो सांप बनने का मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। आगे लौंडे ठिलटुल रहे हैं, देखो मुझे ब्लड वगैरह दिखता है, मैं समझ जाता हूँ भैया यही मौका है, मौके पे दो रन ले लो, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, एक लौंडा यहीं पे लेट रखा होता है,
ठीक है, उसे मैं स्पॉट कर लेता हूँ, पेल देता हूँ। और भाई अब ना भाई बहुत ही गलत गोलियां चलती है मेरे पे। अब देखो सीन क्या है, मेरी गाड़ी फटने वाली है, सांप मैं बनूंगा नहीं, कोशिश करता हूँ, मतलब बहुत देर तक लेटे रहना यार बोरिंग सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे भी एक बंदा होता है, उसे तो मैं ठिला देता हूँ, हेडशॉट लग जाता है गलती से। अब मुझे बस पता है कि 2v2 हो रखा है, 2 लौंडे उधर हैं पेड़ की साइड में, है ना, क्योंकि वहाँ से फायरिंग आ रही थी मुझ पर। मैं समझ जाता हूँ कि भैया अब तो लूटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भाई अंधा चला रहे होते हैं गाड़ी पे, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाता हूँ, गाड़ी पे उनका एम होता है तो फटाफट से करता हूँ अपना ये M24 की सस्ती स्नाइपिंग और ठिला जाता हूँ। ठीक है, अब गोली ले लिया मैंने, अब सही लग रहा है थोड़ा सा। मुझे पता है मेरा टीममेट वहाँ से नेड नूट कर रहा है, सामने से लौंडा गोली चलाता है, सांप बन रखे होते भाई और हम सांप को ठिला देते हैं। ठीक है भाई, ये मैच ना मुझे लग नहीं रहा था जीतेंगे, जिस हिसाब से गलत सीन हो रहे थे, पर भैया जीत गए तो मजा आ गया, तो इस बात पे सस्ता डांस तो बनता ही है। ठीक है, ये कमियों नहीं छमियों वाला डांस भैया देख लो, है ना, कभी कभी देखने को मिलेगा। और मेरा लौंडा यहाँ स्टन ग्रेनेड कर देता है, आंखों में उजाला छा जाता है ना। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये आपको एंड जोन बढ़िया लगा हो तो भैया लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आगे भी अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है ये घटिया वॉइस ओवर के साथ, तो भैया सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, उससे भी मुझे अच्छा लगेगा और यार आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब कुछ दबाओगे आप तो अच्छा लगेगा। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कल मिलते हैं यार, बाय बाय।